अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की हमारी वीडियो है छोटे ट्रैक्टर के ऊपर। ये काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें ये पुराने मॉडल की मैं एक दो दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी मज़े की। ये देखें हैंडल के साथ स्टार्ट होने वाली है, तो एक ये एक और है, ये बड़े मज़े की है ना, पुराने ट्रैक्टर काफ़ी ज़बरदस्त। तो और भी काफ़ी सारे, तो एक दो वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रहे, तो चले उसको देखते हैं। ये तो ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली, इंजन बड़े मज़े का है, डीजल पुराना इंजन है। ये रस्से के साथ स्टार्ट होते, ये तो हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं। अगर हैंडल के साथ स्टार्ट नहीं होता तो फिर जो ना हम जो ना इसके साथ रस्सा बांध के स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बड़े मज़े के, इसको ज़रा आप चेक करें जब ये चलाएँगे ना, इसके ऊपर हल चलाएँगे। वो जो पहले वाला था वो तो ट्राली से बनी हुई थी ना, ये इसके ऊपर हल चलाएँगे, पर बड़ा स्लो चल रहा होता है क्योंकि पुराना है ना, पुराना मॉडल है। ये देखें बड़ा ही स्लो चल रहा है, काम कर रहे हैं लेकिन काफ़ी स्लो है। और लोड भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डाला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो भी देखते हैं। ये तो जो ना गोडी वाली है ना, ये तो काफ़ी हमने डाली हुई है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं। ये भी छोटा सा जो ना इंजन है, अच्छा ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ज़्यादा जो ना ये जो रोटावेटर होते हैं या कल्टीवेटर होते हैं नहीं चलाना चाहिए ज़्यादा, आप अपने जो ना खेतों में नहीं करनी चाहिए ये जो गोड़ी हम लोग करते हैं। तो ये भी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो ना अच्छी नहीं होती ज़मीन के लिए, लेकिन लोग वैसे कहते हैं, कोई कहते चलाया करें, कोई कहते नहीं चलानी चाहिए। तो हर बंदे के जो ना अपना ही होते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो फिर ये छोटा सा, ये छोटे मोटे मैं जो है ना डाल देता हूँ। ये पेट्रोल, पहले वाली पेट्रोल, ये भी पेट्रोल। तो जो मज़े के होते हैं ना वो होते हैं डीजल इंजन वाले। ये काफ़ी छोटी है, घोड़ी के लिए काफ़ी अच्छी है। घास फूस अगर आपने हटाना हो ना तो इसके लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट वीडियो ये मज़े की जो ना सबसे मुझे जो अच्छे लगते हैं वो ये वाले लगते हैं। एक ये वाला है, एक इसके साथ दूसरे वाला है ना, ये बड़े मज़े के होते हैं। वो जो मैंने इसके ऊपर वीडियो काफ़ी सारी बनाई थी आपने देखी होगी, वो जिससे आलू काश भी करते और आलू निकालते भी हैं, उखाड़ते जो है ना ज़मीन से। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये छोड़ देते खुद ब खुद जो है ना, ये आपकी जो ट्रैक्टर ये चलती रहती है। ये ताकत वाला, ताकतवर चीज़ है। और ये बड़ा हल है काफ़ी जो ना, ये एक तो छोटे होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छा जो ना बड़ा हल है। तो ये मज़े गई ट्रैक्टर में। और अच्छा ज़्यादातर जो इसमें ना, मैंने वो पहले ही बताया था वीडियो में, काफ़ी सारे इसमें ज़्यादा होते हैं जुगाड़। ये जो हल वगैरह बनाते हैं ना, ये जुगाड़ से बना लेते हैं। अब तो चाइना से जो ना काफ़ी सस्ते आ जाते हैं, तो जुगाड़ के बगैर भी आपको जो ना काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, वो भी सेम चीज़, ये सेम जो ना छोटा ट्रैक्टर, ये देखें ये थोड़ा सा फास्ट चला रहा है, वो थोड़ा स्लो चला रहा था वो। ये तो आपके ऊपर जो ना आपकी मर्जी है, आप स्लो चलाना चाहते हो या तेज़ चलाना चाहते हो, लेकिन ये काफ़ी तेज़ चला रहे हैं। इस चीज़ से आसानी तो काफ़ी होगी। मैंने आपको पहले भी जो ना वीडियो में बताया था कि वो जो ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके ना वहाँ पे ये ज़्यादा कामयाब है, और यह जो छोटे ज़मींदार हैं उनके लिए बेहतरीन है। इसे बहुत सारे काम आप ले सकते हो ना। जैसे वो इससे पहले मैंने वो वीडियो में दिखाया था,
ट्रॉली, इसकी पीछे भी जो ना आप ट्रॉली भी बांध सकते हो और इसके ऊपर हल भी चला सकते हो, कटाई भी कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो इसे। ये देखिए ये साथ खुद जो है ना वो वाह कर रहा है और वो जो है ना वो अपना काम कर रहा है, ट्रैक्टर छोटा जो है वो इसका काम कर रहा है। ये भी जो है ना गोडी वाली है छोटी सी मशीन, ये तो छोटने नहीं मशीन तो ये बड़ा है बहरहाल, लेकिन ये गोडी के लिए पेट्रोल। ये जो आपकी जो मिट्टी होती है ना जो सख्त होते हैं, ये जो बने होते हैं बड़े बड़े, इसको अगर आपने बरीक करना हो तो इसके बारे में मैंने सुना है काफ़ी लोगों से, इसको आपको बरीक नहीं करनी चाहिए। ऐसा था इसमें अगर आपने गोबर खाद मिलाई हुई तो वो उससे भी जो ना आप मिक्स कर सकते हो, या वैसे भी जो ना अगर घास वगैरह उगने की जो ना चांस है तो वो भी आप जो ना मिक्स कर सकते हो। लास्ट वीडियो ये मैंने इसलिए जो ना इसके ऊपर ये डाली हुई है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, वैसे मैंने दिखाया था इसमें इसको जो ना ये जो छोटे जो ना होते हैं ना गोड़ी मशीन, ये इसको छोटा बच्चे भी चला सकते हैं और बूढ़े भी चला सकते, जवान भी चला सकते हैं, बूढ़ी भी चला सकते हैं।